4 सिंध कॉलेज गेम्स हो रहे हैं 2021-2022 और इसमें जो है हमारे वो 8 जो हैं हम उन्हें गेम्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं डिफरेंट टीम्स डिफरेंट कॉलेजेस के. इसमें हमारे पास टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी एंड एथलेटिक्स के मैचेस हो रहे हैं. इस वक्त जो है हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी हूँ और इसके अलावा जो बहुत अच्छी चीज़ ये कि हमारे पास ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन आई है टीम्स की डिफरेंट कॉलेजेस से वो बहुत अच्छी आई है. हमारे पास तकरीबन सभी कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट करा है. मैन कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वुमेन भी कर रहे हैं. हम डिफरेंट वेन्यूज़ पे डिफरेंट डेज पे हम जो है ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं. तो अब ये 2 साल गैप के बाद ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है और मेरे ख्याल से इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए. तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो गवर्नमेंट उसमें जब टूर्नामेंट होते हैं वहाँ से इन्हें प्लेटफॉर्म मिला है बच्चों को. मैक्सिमम बच्चे ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है. अब जिनमें इंटरेस्ट होगा फर्दर वो अपने प्रोफेशनल स्किल्स को भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं भी और नेशनल इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर भी यकीनन खेलेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे. अब्दुल हाफिज़ बारी इंधर साहब जो हैं जो रीजनल डायरेक्टर हैं उनका इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है. उन्होंने तमाम कॉलेजेस में तमाम डीपीस को उन्होंने बोला कि पार्टिसिपेशन आनी चाहिए और उनके यहाँ आने की उनकी प्रेजेंस इस बात का सबूत है. और जिसकी वजह से क्या होता है कि हम प्लेयर्स को हम सबको भी मोटिवेशन होती है कि देखें हमारे इवेंट को देखा जा रहा है और अपने और हमारे HI उस्मानिया ने जो कि टेबल टेनिस को ऑर्गेनाइज़ करा है इसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करवाया है. हमारे प्रिंसिपल की इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट इसमें शामिल होती है, हमारे स्टाफ की बहुत ज़्यादा इसमें कोऑपरेशन होती है और मोर ओवर जितने भी जो डीपीज़ होते हैं और जो सब जो टीम लेकर आती हैं यकीनन सब जब हम मिलके चलते हैं तो उसके बाद ही हम लोग जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं. देखिए अभी जो हमारे तमाम उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं ठीक है अभी हमारे पास जो टेंटेटिव डेट है वो 31 जनवरी तक जो है कराची रीजन में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारे गेम्स होंगे. उसके बाद जो हमारी विनर वो आएंगे उसके जब स्केड्यूल सब डिज़ाइन हो जाएंगे तो वो फिर फर्दर हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी.